हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया मैं कोर i3 10 जनरेशन सीपीयू असेंबल करने जा रहा हूं, तो उसके लिए ये मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया है। ये गीगावाइट कंपनी का H510MH2 है। ओके, इसके अंदर आप इन फ्यूचर कोर i3 का 11 जनरेशन जब भी लॉन्च होता है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। और इसका फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसमें मेमोरी स्लॉट दो है, 8GB 16GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और इन फ्यूचर आपको अगर SSD M.2 NVMe भी करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें 3.2 जनरेशन का 4 USB पोर्ट और 6 USB और 2.0 का है। तो आप इस मदरबोर्ड को यूज करके फ्यूचर में भी अगर कोई अपग्रेडेशन चाहते हो तो आप कर सकते हो। और आप देख सकते हैं उसके फीचर्स भी बहुत सारे हैं। गीगाबाइट का एक्सक्लूसिव उसका गेमिंग लैन है, इसका बैंडविड्थ भी बहुत अच्छा है। तो ये मदरबोर्ड इसीलिए मैंने सिलेक्शन किया है कि कस्टमर को फ्यूचर में अगर 11 जनरेशन लॉन्च होने के बाद अगर उनको अपग्रेडेशन करना है तो ये मदरबोर्ड ही बेस्ट है। उसके बाद गेमिंग के लिए मैंने नेक्स्ट्रॉन कंपनी का नेटफोर्स GT610 यूज किया है, जो DDR3 रैम के साथ आता है। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा इसके साथ। मतलब गेमिंग है, हेवी सॉफ्टवेयर है उनके लिए। और ये रहा को इंटेल कोर i3 कंपनी का 10 जनरेशन का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर अभी जो न्यू जनरेशन में है 10, मतलब 2021-22 अभी कोर i3 10 तक आ गया है, तो ये वही लेटेस्ट है। हाई स्पीड के लिए मैंने आप देख सकते हो क्रुशियल का 2.5 240GB SSD यूज किया है। और इनके कस्टमर चाहता है तो फ्यूचर में वो अपग्रेड भी कर सकता है M.2 SSD के साथ, जो ऑलरेडी मदरबोर्ड में स्लॉट दिया गया है। और मैं क्रुशियल कंपनी का ही रैम यूज किया है, वो भी सेम 3 ईयर वारंटी के साथ होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी मदरबोर्ड ग्राफिक्स का सभी को 3 ईयर वारंटी है, सर्विस सेंटर वारंटी। और डेस्कटॉप को वाईफाई सपोर्ट करने के लिए मैंने TP-Link का 300 Mbps का, देख सकते हो वायरलेस एडेप्टर है वो यूज किया है। इसका भी परफॉर्मेंस आपको पता ही है, TP-Link है 300 Mbps है।